10 से 12 हज़ार रुपए में अगर 5G फोन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ आप सही वीडियो पर लैंड किए हैं, जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं Infinix Hot 20 5G वर्सेस यहाँ पर Lava Blaze 5G। ये दोनों ही बजट फ्रेंडली प्राइस में ये हैंडसेट आते हैं और रिसेंटली यहाँ पर Lava ने अपना फोन तो लॉन्च किया ही है, लेकिन Infinix Hot 20 5G भी आपको जल्द ही सेल पर यहाँ Flipkart पर मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि दोनों में से कौन सा 5G हैंडसेट हम यहाँ पे चूज करें, तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ यहाँ पर वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे और आपको एक बेटर गाइडेंस देंगे कि आपको दोनों में से कौन सा हैंडसेट चूज करना चाहिए। फटाफट एक क्विक यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ। Lava Blaze 5G के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट, जो कि यहाँ पे 7 nm बेस्ड है, 5000 mAh की बैटरी, 8 MP का फ्रंट कैमरा, साथ में यहाँ पर 50 MP का कॉम्बिनेशन रियर में, ग्लास बैक के साथ ये आता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस आईडी मिल जाएगा। MediaTek Dimensity 700 जो चिपसेट है ये 7 nm है, ये 2.2 GHz पर ये क्लॉक्ड है। बाकी यहाँ पर Android 12 क्लीन UI मिलने वाला है, उसके बाद बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगेगी इन हैंड, क्योंकि ग्लास बैक के साथ आता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, Android 12, मतलब भाई साहब ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है Lava Blaze 5G यहाँ पर 10,000 रुपए में। डिस्प्ले यहाँ मिलता है आपको HD+ का, फुल HD नहीं मिलेगा। वही Infinix Hot 20 5G के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये फोन आता है आपको यहाँ 11,000 रुपए में। 11,000 रुपए की प्राइस पर अगर आप देखने जाइएगा तो यहाँ ब्रांड आपको दे रही है MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट, जो कि एक 6 nm बेस्ड चिपसेट है, बहुत ही पावरफुल है, 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है। XOS 10.6 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर भी Android 12 है। यहाँ फुल HD+ का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी, 18W का चार्जर, Type-C चार्जिंग पोर्ट के साथ DTS साउंड यहाँ मिलता है, हाई रिफ्रेश रेट 120Hz बाय द वे Lava में भी मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ मिल जाता है आपको कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड के साथ फेस आईडी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब दोनों फोन में से कौन सा फोन ले, अगर आप 1,000 रुपए ज्यादा लगाते हैं Infinix के अंदर Hot 20 5G के अंदर, तो आपको क्या क्या मिलेगा और 1,000 कम में क्या क्या आपको नहीं मिल रहा है। तो पहली चीज आपको ये समझना होगा कि Infinix Hot 20 5G के अंदर जो MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट मिल रहा है, ये 6 nm बेस्ड चिपसेट है और 6 nm होने की वजह से यहाँ पावर एफिशिएंसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ ये बैटरी कंजम्पशन कम करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट। दूसरी प्लस पॉइंट वो है कि यहाँ आपको फुल HD+ का डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको Lava Blaze 5G में नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे बाय द वे ब्रांड ने Infinix ने कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं दी है कि स्टोरेज टाइप किस टाइप की है, मतलब UFS 2.1 है, 2.2 है, ये कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो इस चीज को मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मैं Lava को एक पॉइंट देना चाहूंगा, जहां पे Lava Blaze 5G के अंदर आपको मिलता है UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, जो कि मैं प्लस पॉइंट दूंगा क्योंकि Infinix वालों ने कहीं बताया नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा डेफिनेटली Lava को एक पॉइंट ज्यादा मिलता है। दोनों ही फोन के अंदर 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी है, 18W का चार्जर है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है बिल्ड क्वालिटी, Infinix Hot 20 5G आपको दे रहा है प्लास्टिक बिल्ड, वहीं Lava Blaze 5G आपको दे रहा है ग्लास बैक के साथ। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आप लोगों के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर प्लस पॉइंट देखते हैं Infinix का, तो यहाँ आपको फुल HD+ का डिस्प्ले मिलता है, जबकि Lava में आपको फुल HD+ का डिस्प्ले नहीं मिलता है। Infinix Hot 20 5G की अगर हम बात करें तो कस्टमाइज्ड UI मिलता है, कस्टमाइजेशन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन Lava Blaze 5G यहाँ क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है। तो अब मुद्दा क्या आता है, Lava Blaze 5G किनको लेना चाहिए। पहली चीज मैं बता दूं कि दोनों ही हैंडसेट्स 5G है और दोनों के अंदर भर भर के बैंड्स हैं। Infinix Hot 20 5G के अंदर 12 बैंड्स हैं, वैसे ही Lava ने भी बोला है कि हम सारे बैंड दे रहे हैं, ले लो जो भी इंडिया में बैंड आएगी 5G की हम सारा सपोर्ट करेंगे। तो दोनों ही फोन 5G के मामले में तो एकदम तगड़ी टक्कर दे रहे हैं, बैटरी में भी कट थ्रोट है। डिस्प्ले में अगर हम बात करें तो Infinix Hot 20 5G में आपको बेटर डिस्प्ले मिलेगा, HD+ का, फुल HD+ का डिस्प्ले मिलेगा कि और हायर रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट। वहीं आपको Lava Blaze 5G सिर्फ HD+ मिलेगा 720 pixels वाले, और यहाँ भी हायर रिफ्रेश रेट है, लेकिन व्यूइंग एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर आपको Infinix Hot 20 5G के अंदर मिलेगा। चिपसेट की बात करें तो Dimensity 700 एक तरफ चिपसेट है और एक तरफ 810 है Infinix के अंदर, तो 2.4 GHz बेटर देन 2.2 GHz इन कंपैरिजन टू Lava, तो Lava से बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर Infinix Hot 20 5G देगा। कैमरा दोनों के सिमिलर है, किसी भी तरह की चेंजेस नहीं है। हाँ, तो पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस, तो मेरे लिए अगर डिस्प्ले मुझे फुल HD चाहिए तो बट ऑफ यस आई विल गो अहेड विद Infinix Hot 20 5G, ना कि मैं Lava के साथ जाऊंगा। आई थिंक अगर बहुत टाइट बजट से चल रहा है तो Lava भी यहाँ पर खराब स्पेसिफिकेशंस आपको नहीं दे रहा है, सिर्फ एक डिस्प्ले को अगर हम छोड़ दें तो HD+ डिस्प्ले को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। इनफैक्ट स्टोरेज आपको ज़्यादा मिलता है Lava Blaze 5G के अंदर,
4 plus 128GB यहां पर, मतलब 128GB का स्टोरेज आपको मिलता है, जबकि 64GB आपको मिलेगा Infinix Hot 25G के अंदर। तो स्टोरेज में तो विन विन यहां पे लावा है। प्लस दोनों ही फोन के अंदर यहां पर वर्चुअल रैम्स को आप बढ़ा सकते हैं, 3-3GB मतलब 7GB ऑन बोर्ड आप कर सकते हैं लावा के अंदर भी और Infinix के अंदर भी। तो रैम में तो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्टोरेज में एक बेटर ऑप्शन, एक ज्यादा पॉइंट मिलता है लावा ब्लेज 5G को। वहीं HD प्लस जो डिस्प्ले है आपने लावा ब्लेज 5G, वहां एक पॉइंट कट जाती है और वो चला जाता है Infinix को। तो ओवरऑल दोनों ही फोन बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आप दोनों में से कोई भी फोन चूज करते हैं आपके बजट के हिसाब से, तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। Infinix लेते हैं तो आप एक लेवल ऊपर रहेंगे, और अगर लावा लेते हैं तो एक पॉइंट नीचे चले जाएंगे। ओवरऑल ये मेरा एक क्विक इन डिटेल इन डेप्थ आप लोगों के लिए एक जानकारी थी, जहां आपको पता चलेगा कि भाई दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। दोनों ही फोन अच्छे हैं, मैं स्टिल रिपीट करता हूं, अगर आप लावा लेते हैं 10,000 रुपए में तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, 11,000 में अगर Infinix लेता है, बजट ज्यादा है तो वहां पर भी रिग्रेट नहीं करेंगे। ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लेते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।